एलटीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बने रहिए एलटीटी न्यूज़ हर दिन आपके साथ। बताते चलें कि मामला लखीमपुर की पलिया तहसील का है, जहां बुज़ुर्ग और उसके बेटे को शादी तय करने की कीमत हरदोई में भारी बाजार में निर्वस्त होकर चुकानी पड़ी। ये अमानवीय घटना दिल को दहला देने वाली है। हमारे संवाददाता से बात करने पर सीओ पलिया ने बताया। ये लखीमपुर जनपद के पलिया कला से कुछ लोग यहाँ आए थे, जिनकी बेटे की शादी का प्रकरण यहाँ तय हुआ था और कैंसिल होने के बाद आज इनका लेन देन हो रहा था। उसी बीच में पूर्व में भी इनकी शादी तय हुई थी यहाँ ही किसी दूसरे मंडी के आरती के बेटी से, उसी में मारपीट हुई है और संबंध में कुछ लोग यहाँ कोतवाली पर मौजूद हैं जो तहरीर देंगे और तुरंत चार कार्य करेंगे। मारपीट के कुछ वीडियो भी सर सामने आए हैं, अभी हमें प्राप्त नहीं हुए होंगे तो उसके अनुसार कार्य। हमारा रिश्ता कन्हैयालाल जी के वहाँ फिक्स हुआ था, 6 दिसंबर को वहाँ पर गोद भराई हुई थी। उसके बाद फरवरी में उन्होंने मना कर दिया कि हम रिश्ता नहीं करेंगे, तो हमारी उनसे बराबर फ़ोन पर बात होती थी। उन्होंने कहा आप लोग आ जाइए हरदोई और अपना जो है सामान, हमने कहा हमारा सामान हमको दे दीजिए और अब आपका जो खर्चा हुआ है गोद भराई में वो आप ले लीजिए। तो आज उन्होंने हमको राम जानकी मंदिर में बुलाया, हम राम जानकी मंदिर में गए और वहाँ पर उन्होंने बताया हमारा 55,000 रुपये खर्च हुआ है। तो पैसा उनका कम ही खर्च हुआ था लेकिन उन्होंने 55,000 बताया, तो वहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने कहा 40,000 दे दो, तो हमने उनको 40,000 दे दिया। उन्होंने हमारा जेवर वापस कर दिया। इतने में कैलाश और उनके बेटे लोग आ गए और लकी और मनोज नाम के लोग हैं वो लोग आ गए। उन लोगों ने हम लोगों को राम जानकी मंदिर से पकड़कर अपनी आड़त पे ले गए, दुकान पे। वहाँ पर हम लोगों को निर्वस्त्र कर दिया, मारा पीटा और बहुत ही बेइज्जती हम लोगों की। उधर दूसरी तरफ पलिया के दुधवा राष्ट्रीय पार्क में तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग सतर्क हो गया। डॉक्टरों के पैनल ने मौत का कारण बाघ व तेंदुए का संघर्ष बताया है। बरेली के मनकारा गांव में गौ अवशेष मिलने से हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अरविंद यदुवंशी पहुंचे और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में तैनात बंदरोगा विनोद कुमार सक्सेना की इलाज के दौरान बरेली के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिनका अंतिम संस्कार बरेली के संजय नगर संतान भूमि में उनकी बेटी ने किया। लॉकडाउन के दौरान आंखों को नम कर देने वाला ये दृश्य सामने आया। बने रहिए एलटीटी न्यूज़ के साथ। हमारे एलटीटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।